सूजी वेज डिस्क भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सूजी वेज डिस्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सूजी पनीर डिस्क बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कप सूजी। जितना सूजी लेंगे उतना ही दही लेंगे, तो यहाँ पर लिया हमने 1 कप दही। 1 टेबलस्पून ऑयल। मसाले में हम यूज करेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ती से। 1/2 इंच मैंने यहाँ पर अदरक ग्रेट कर लिया है। 1 प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। 1 बड़ा आलू मैंने बॉईल करके लिया है और यहाँ पर मैंने 1 पनीर पीस लिया है। तो चलिए बनाते हैं सूजी पनीर डिस्क। तो सबसे पहले दोस्तों 1 कप सूजी मैंने खाली बोल में ले लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही। ये दही बिल्कुल नॉर्मल दही है, खट्टा दही हमें नहीं लेना है। और अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये जो सूजी का बैटर है ये थोड़ा सा थिक है अभी यहाँ पर, तो हम करीब 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें सूजी में बिल्कुल लंप नहीं रहना चाहिए। अब जो हमारी सूजी बहुत अच्छे से मिल चुकी है, इसमें कोई गांठ नहीं रह गई, तो अब इसको हम करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। तो आइए इसको अब हम रख देते हैं। अब जब तक हमारा सूजी रेस्ट कर रहा है, आइए हम बनाते हैं पोटैटो और पनीर की फिलिंग। तो मैंने एक मैशर लिया है और बहुत अच्छे से आलू को मैश कर देना है ताकि इसमें कोई लंप ना रह जाए। अब ये जो पनीर लिया है इसको भी आलू के साथ ही धीरे धीरे करके इसको अच्छे से तोड़ लीजिए। तो चलिए एक हमने पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं। अब हम डालते हैं इसमें अपनी रेड या ग्रीन चिली जो भी अवेलेबल है आपके पास। इसमें डालेंगे अदरक। अब इसमें ऐड करेंगे हम राई, जीरा, थोड़ा ये भून जाए। अब इसमें ऐड करते हैं हम हल्दी और प्याज डालते हैं। हमें प्याज को भी अच्छा सुनहरा होने तक भूनना है। अब दोस्तों करीब 1 मिनट तक हम अपने प्याज को भूनते हैं, तो धीमी आंच कर लीजिए और इसको ढक दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा प्याज है ये बहुत अच्छी तरह से भून गया है। थोड़ा हमें इसको क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने पोटैटोस और पनीर। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें छोटा कैरेट, कैप्सिकम ये सब भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं बोल में और इसको ठंडा होने देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पनीर और आलू का शानदार मसाला है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब चलिए अब हम इसके सिलेंडर्स बनाते हैं। पहले आप एक गोल करिए और फिर इसको एलोंगेटेड करिए। इस तरह से हम सिलेंडर बनाएंगे। अब हम स्टीम करने के लिए 1 ग्लास लेंगे और जो हमने सिलेंडर बनाया है उसका ये जो नीचे का सर्कल है ये ग्लास के सर्कल से छोटा होना चाहिए, है ना। और ऐसे अगर आप रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो रहा है ये सिलेंडर, इसको हमें ग्लास से छोटा रखना है। तो हम इतना कट कर देंगे ऊपर से,
ढकना अलग कर लीजिए। अब जो हमारा ये जो सिलेंडर है ये परफेक्ट है, इतना आना चाहिए। अगर ये साइज है ग्लास का तो हमारा सिलेंडर नीचे से इतना ही आना चाहिए। चलिए बना लेते हैं हम और सिलेंडर्स। तो इस तरह से दोस्तों अपने पनीर और आलू के जो रोल्स हैं वो आप तैयार कर लीजिए। और चलिए अब इसको फ्रीज करते हैं करीब 15 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे जो सिलेंडर्स हैं ये भी बहुत अच्छे से फ्रीज हो गए हैं और जो हमारी सूजी है वो भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अपना स्टीमर स्टार्ट करते हैं। अब हमने दोस्तों अपना स्टीमर रेडी कर लिया है और ये ग्लास हम इसमें रखेंगे तो पानी जो है करीब 1/4 तक आ रहा है। तो अब चलिए इसमें हम अपना बैटर ऐड करते हैं। अब जो सूजी है वो चलिए हम चेक करते हैं, ये काफ़ी अभी ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे करीब 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने इसमें नमक अभी तक ऐड नहीं किया है, और हम इनो डालेंगे। इनो डालने के पहले हमारा स्टीमर का पानी बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। इनो डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करने के लिए हम पानी इसके ऊपर हल्का सा डालते हैं। तो एक्टिवेट हो चुका है, इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हमारा सूजी का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको फिलिंग करने के लिए हम पहले ग्लास लेंगे और ग्लास में अच्छे से हम अंदर ऑयल अप्लाई कर देंगे। ग्रीस कर दीजिए ग्लास को अच्छे से। अब हम अपना सूजी बैटर जो है अपने ग्लास में बिल्कुल 1/4 ही फिल करिए। पहले उसको थोड़ा ऐसे रख के टैप करिए। अब जो हमने पोटैटो के रोल्स बनाए हैं जो फ्रीज होकर आए हैं इसको ऐसे बीच में रखिए, इसको पकड़े रहिए। और अब साइड्स में आप ये जो बैटर है सूजी का ये फिल कर दीजिए। हमें थोड़ा ऊपर खाली रखना है क्योंकि जो है हमारी सूजी अभी फूलेगी स्टीम होने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने फिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से टैप कर दीजिए। अब हमारा जो पानी है वो बिल्कुल बॉयल होने लग गया है। तो चलिए अपने हम सूजी का बैटर और इसको इसमें रख देते हैं और हम स्टीम करेंगे करीब 15 मिनट के लिए। अब दोस्तों करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो हम अपना स्टीम का चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो चुके हैं। एक ग्लास जिसमें हमने थोड़ा कम भरा था वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और दूसरा जिसमें हमने थोड़ा ज़्यादा भरा था वो ऊपर तक आ गया है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। और दोस्तों इसको चेक करके देख लेते हैं, जब हम चक्कू अंदर इंसर्ट करके निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल इसमें लगा नहीं है, बिल्कुल आराम से आ गया है। तो ये हमारा रेडी है, थोड़ा ये कूल डाउन हो जाए फिर इसको डीमोल्ड करते हैं। अब दोस्तों ये ठंडा हो चुका है तो इसको धीरे से होल्ड करके साइड में आपको जो नाइफ है शार्प नाइफ उससे थोड़ा ऐसे करना है ताकि ये इजीली निकल आए। अब हमने चारों तरफ से कर दिया है, अब हम इसको निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा सिलेंडर निकल आया है। अब इसी तरह दूसरा सिलेंडर भी साइड से हमें जो चक्कू है उसको पूरा सर्कुलर उसमें लगाना है और जब हम निकालेंगे तो ये देखिए दूसरा सिलेंडर भी निकल आया है। अब हम तवा लेंगे और उसमें हमने 1 चम्मच घी लिया है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। डालेंगे हम राई, थोड़ा सा हल्दी, चिली पाउडर, राई को भुनने देते हैं। इसमें हम डालते हैं हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। हमारा रोल है इसको इसके ऊपर से अच्छे से ऐसे कर लीजिए, दूसरा रोल भी। तो 1 कप सूजी में हम
हमारा करीब 4 लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है। इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। अभी हमने निकाल लिया है, एक शार्प नाइफ लीजिए और धीरे हाथ से इसको ऊपर नीचे करते हुए सर्कल काट लीजिए। इस तरह से सारे कट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने अब सिलेंडर से अपने सर्कल्स काट लिए हैं और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और बहुत ही यमी है टेस्ट में और बहुत ही हेल्दी है। ये रहा हमारा सिलेंडर, तो ज़रूर बनाइएगा घर पर सूजी के पनीर डिस्क। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा ये न्यू रेसिपी सूजी के पनीर डिस्क। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रुचि द ढाबा।